बिजली का बिल भरने के बावजूद भी बीएसएफ के कर्मचारियों ने जबरन काटी लाइट सीनियर सिटीजन से बदतमीजी करके मामला साजरा के टेली बारा छोटा बाजार का। आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन है, इनका कहना है कि जब मेरी जो दुकान का बिल 2430 का था, जिसका पे कर चुका था टाइम से, जिसके आज जबरन बीएसएस के लोग मेरे पास आए और मेरी लाइट काटी जबरन, और साथ जब मैंने उनसे बात की कि हम बिल पे कर चुके हैं तो जबरन ही लाइट काटने के बाद बदतमीजी की, जिसकी शिकायत उन्होंने सीईओ करकडूमा बीएसएस को लिख दी है। साथ ही फर्ज बाजार थाना, इसके अलावा जो विधायक है, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनको भी एक लिखित कंप्लेंट कर दी है। इनका कहना था जब बिजली का बिल भर चुका हूं, फिर भी मेरे पास आके जबरन मुझसे बदतमीजी की और लाइट काटी, अब मजबूर है अंधेरे में दुकान चला रहे। सुने आप इनकी बाइट। बिजली वाले आए थे तो मैंने कहा, तो मुझे पता नहीं, मैं तो यहाँ बैठा था, ऊपर से तार काट गए हैं। बिल तो मैंने 7 तारीख को भरा है 2430 रुपये का। कारण नहीं बताया? कारण कुछ नहीं बताया, वो मुझे पता नहीं लगने दिया, ऊपर से काट गए, खंभे के ऊपर से काट के चले गए। तब से अब तक अंधेरा ही है दुकान? अंधेरा ही है बिल्कुल। आज अचानक मैं इस टाइम 62/5 छोटा ब्याज दिल्ली वाला साधारण में खड़ा हूँ। ये हमारी दुकान है, पिताजी हमारे बैठते हैं, सीनियर सिटीजन है, 70 साल उम्र है। आज अचानक 4-5 बिजली कर्मचारी आते हैं बीएससीएस के, उनका अपना मेन जो बंदा था सन्नी नाम का, अचानक आते हैं। पहले तो 4-5 दिन पहले आए थे बिजली के बिल को लेकर, बिजली का बिल जो हमने 7 तारीख को पूरा भर दिया था, उसके बाद अचानक आते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और ऊपर से बिजली काट कर चले गए हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ, ये जो जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी का क्षेत्र है क्या? पूरी दिल्ली के अंदर बीएससीएस की, जहाँ जहाँ बीएससी चलती है, कि ऐसे ही गुंडागर्दी चलती रहेगी? ऐसे ही सीनियर सिटीजन को परेशान किया जाएगा बिजली के नाम पर, कभी मीटर के नाम पर, कभी मीटर बदलने के नाम पर? ये कौन सा और कैसा कानून चल रहा है? मैं अपने रामनिवास गोयल जी, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे ये पूछना जरूर चाहूँगा। और मैंने इसकी कंप्लेंट सीईओ बीएससीएस करकडूमा में करके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।